उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस के द्वारा एक युवक पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये वीडियो यूपी पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठाता है। पूरा मामला सिविल लाइन थाने का है। पुलिस द्वारा होटलों पर शराब पिलाने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसी को लेकर सिपाही एक होटल मालिक को धमकाने चला गया था, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी हरकत में आए और मामले की जांच का आदेश दिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ये प्रेम नगर की बात है। यहाँ पे इस दौरान कुछ पुलिस चेकिंग के लिए गई होगी। वहाँ पे एक लेपर्ड है, लेपर्ड नंबर 25। उस पर हमारा एक सिपाही और एक होमगार्ड है। तो वहाँ पे सिपाहियों, ये सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत ये अभी तक आया है कि सिपाही द्वारा बल का प्रयोग किया गया है। तो इस पूरे विषय पर पूरे अच्छे से जाँच होगी और इसमें पूछा जाएगा कि बल का प्रयोग उनके द्वारा क्यों किया गया। और उनके साथ में एक होमगार्ड भी हैं। जो सिपाही हैं उनका नाम है योगेश कुमार और जो साथ में होमगार्ड हैं उनका नाम है अजीत सिंह। तो इन दोनों का पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई ज़रूर करी जाएगी अगर इनके द्वारा कोई स्पष्ट तरीके की आख्या और स्पष्ट तरीके का कोई इनके तरफ से बयान नहीं आया। सर, प्रथम दृष्टि क्या मामला लग रहा है, इस तरह से किया जा रहा है? प्रथम दृष्टि ये सब चीज़ें जानकारी वहाँ पे जो कि इंचार्ज जाएंगे, हम लोग स्वयं जाएंगे और पूरी रिपोर्ट जब आ जाएगी उस चीज़ के बाद में, तो प्रथम दृष्टि ये बाद में चीज़ें सामने आ जाएंगी कि वारदात क्या हुई है। हाँ, पूरा मामला ये है, हम जब आए तो यहाँ तक हम रास्ते में आ रहे थे, भूख लगी हमें, ये इमारत वाला यार भूख लग रही है, मैंने कहा चलो कैंटीन है कुछ ले लेते हैं खाने के लिए, खा कर सीधे घर चल रहे हैं। तो उसके बाद हमने लिया ही था, अपने पैकेट भी नहीं खोला था। इतने जो पुलिस वाले आए यहाँ पे, हमने अंकल जी से संभाल लिया, पुलिस वाले आए, उन्होंने आकर गेट बंद कर दिया। गेट बंद करके उसके बाद ये लोगों पे मारपीट करने लगे। हमने पूछा भाई क्या मसला है, बोले उसके बाद इन्होंने गेट बंद कर दिया। उसके बाद हमने बताया मैंने कि भाई हम तो सामान लेने आए हैं यहाँ। तो उनमें से एक पुलिस वाला बोले कि इन सबसे सब पैसे ले ले और उसके बाद बाहर आके मिल मुझसे, आवाज़ दे देना मैं गेट खोल दूंगा। हाँ, ये मसला है। तो मार पिटाई का कोई मामला हुआ है पूरे? नहीं, हाँ, सब पे मार पिटाई हुई है यहाँ पे, जितने भी लोग थे। तो पैसे के लिए किसने कहा? पैसे के लिए पुलिस वाले ने कहा।